मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना रापसिया ने की थी 754 ईस्वी के आसपास। रापसिया पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर मारवाड़ आए थे 140 घुड़सवारों के साथ में। खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। उनकी छतरी बीठू पाली में बनी हुई है। किसकी? रापसिया की। इनके बाद में शासक बनते हैं दुहड़ जी, जो कि आस्थान के पुत्र थे। इनके छोटे भाई का नाम था धांधल जी, जिन्हें कोलू गांव की जागीर मिली। धांधल जी लोक देवता पाबू जी राठौड़ के पिता थे। दुहड़ जी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे दक्षिण भारत से। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। उसके बाद में शासक बनते हैं मल्लीनाथ जी, जिनके नाम पर बाड़मेर के मालाणी क्षेत्र का नामकरण हुआ। मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम जगमाल था, जो कि अहमदाबाद की शहजादी गिंदौली को लेकर आया था गणगौर के पर्व पर। इसलिए गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं? गिंदौली के गीत गाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी के नाम से एक रेलगाड़ी चलती है, मालाणी एक्सप्रेस, दिल्ली टू बाड़मेर। मालाणी किस्म के घोड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी के बाद में शासक बनते हैं राव चुंडा। राव चुंडा का विवाह इंदा प्रतिहारों की राजकुमारी चांदकवर के साथ हुआ था, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। राव चुंडा के दो पुत्र थे, एक का नाम था रणमल राठौड़, एक का नाम था काना। एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ सशर्त किया था। अपने छोटे पुत्र काना को राजा बनाया था। रणमल राठौड़ मेवाड़ चला गया था हंसाबाई के कहने पर, और बाद में मेवाड़ की सेना की सहायता लेकर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इधर रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी मेवाड़ में कुंभा और राणा चुंडा के द्वारा। उसका पुत्र जोधा भागकर बीकानेर चला गया था, काहूनी नामक गांव में शरण ली थी। बाद में आवल बावल की संधि के तहत मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त किया था। यह संधि 1453 में हुई थी। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। जोधा ने लोक देवता हड़बुजी से आशीर्वाद में कटार प्राप्त की थी। करणी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। राव जोधा के बाद में शासक बनता है कौन? राव मालदेव। हालांकि बीच में गंगा जी शासक रहे थे, राव गंगा मालदेव के पिता थे। गंगा की हत्या मालदेव ने की थी, जिसे मारवाड़ के इतिहास में पितृनंता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्ध 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। जब वो राजा बना तो उसके पास में मात्र दो परगने थे, एक तो था सोजत और एक था जोधपुर। उसका जो राजतिलक हुआ वो सोजत में हुआ। मालदेव ने युवराज रहते हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। 1540 में सेवकी का युद्ध लड़ा था, अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीत लिया था, जिसमें बिलाड़ा, भादरा जून, बीकानेर, मेड़ता आदि सभी पर कब्जा कर लिया था। किसने? मालदेव ने। राव जैतसी की हत्या कर दी थी, जो कि बीकानेर का शासक था। उसका पुत्र कल्याणमल और मेड़ता का शासक बीरमदेव दिल्ली के तत्कालीन शासक शेरशाह सूरी के पास में चले गए थे। उन्होंने जाकर मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगी थी शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी उन दोनों के कहने पर जोधपुर आता है। गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव गिरिसुमेल युद्ध से बिना लड़े लौट गया था। यह युद्ध जैता और कुंपा ने लड़ा था मात्र 12,000 सैनिकों के साथ में। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव के बाद में शासक बनता है रामचंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है।